अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इस वीडियो पर रुकना। एक दिन में 1000 लस्सी विश्वास करोगे, 1200 लस्सी विश्वास करोगे, 1500 लस्सी विश्वास करोगे। ये का कहना है कि मैं 50 लस्सी पर आधा घंटा बनाता हूँ। एक बार में कितनी लस्सी बनाते हो आप? ये 50 मतलब आप दोबारा कब बनाओगे आप? ये आधा घंटे बाद। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इस वीडियो पर रुकना, और अगर खाने के शौकीन नहीं हैं तो वीडियो को यहीं पे छोड़ के दूसरी वीडियो को जाके देख लो। सर्दियों में चाय और गर्मियों में बनाना शेक, मैंगो शेक नहीं, हम हैं देसी और हम पीते हैं लस्सी। अगर मैं आपको बताऊँ कि एक दिन में 1000 लस्सी विश्वास करोगे, 1200 लस्सी विश्वास करोगे, 1500 लस्सी विश्वास करोगे, विश्वास करना पड़ेगा, छोटा नंबर नहीं होता। ये आपको मिलवाता हूँ भैया। सो गाइस देखो, मैं हूँ भैया की शॉप के अंदर और अभी भैया लाइव लस्सी बना रहे हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लस्सी की क्वांटिटी क्या रहती है। भैया एक बार में कितनी लस्सी बनाते हो आप? ये 50। ये कितनी पुरानी शॉप है भैया अपनी? 97 से है भाई शॉप अपनी। 1997 से, ठीक है। तो पापा करते थे आपके? बड़े भाई। बड़े भाई करते थे। फिर अभी आप लोग कितने लोग बैठते हो उस पे? 4 भाई हैं, एक भाई दूध लाता है। ये जो शॉप है ना, ये एक लोग के साथ ही चल रही है। 4 भाई है जिसमें सब लोगों के काम सेग्रीगेट है। एक भाई दूध लाते हैं, एक भाई दही जमाते हैं और दो भाई लस्सी बनाते हैं, ऐसा ही है। भाई रबड़ी बनाता है रात को फिर। तो रबड़ी किस चीज के लिए बनती है? रबड़ी इसी के अंदर डलती है, लस्सी के। अच्छा, इसके अंदर डलती है। ओके ओके। तो एक दिन में भैया कितना खपत हो जाता है आपका दूध का और दही का, अगर हम मान के चलेंगे तो? जो टोटल दूध है जी, 30 किलो की रबड़ी बनती है। 30 किलो दूध की रबड़ी बनती है रोज। 55 किलो की दही जमती है। 55 किलो की दही जमती है। 15 किलो दूध कोटा अगर इसमें डाला जाता है लस्सी बनती है। तो ये हो गया दूध का सेग्रीगेशन। उसके बाद ये भैया की जो लस्सियां हैं ये हो जाती हैं तैयार। अच्छा, भैया के पास ना पूरा दिन भीड़ रहती है, जबरदस्त, सेम शाम को भी रहती है। भैया का कहना है कि मैं 50 लस्सी पर आधा घंटा बनाता हूँ। एक या आधा घंटे मेरी 50 लस्सी बिक जाती है, उसके बाद फिर से भैया ऐसे ये तैयार करते हैं। 50 से ज्यादा भी बनाते हो? ये फ्रिज के अंदर रखी जाती है। अच्छा, आधा घंटे 50 लस्सी तैयार होगी, फ्रिज के अंदर रखी जाती है और उसी से बिकती रहती है। वहीं से बिकती रहती है। जब ये खत्म हो जाएंगे, थोड़ा बहुत बचेगा तो फिर आप दोबारा से बना दो। भैया है वसीम लस्सी वालों के नाम से, मवाना में जबरदस्त तरीके से फेमस। क्या है इनकी लस्सी में ऐसा स्पेशल जो कहीं और नहीं मिलता? मतलब इतनी लस्सी क्यों बिकती है आपकी? नाम है या काम है? हाँ। ड्राई फ्रूट और रबड़ी मिक्स है। अच्छा। जो मवाने में कोई नहीं देने का, और वो भी और शायद 40 रुपए में। 40 रुपए में ऐसी क्वालिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट मेरठ में नहीं मिलेगी आपको। खुद का अपना दूध है, अपने हाथ से दूध लाते हैं हम निकाले। कितना क्वांटिटी में दूध लाते हो? फिर दही जमाते हो आप घर पे, कैसे करते हो? क्या 100 किलो दूध रोज आता है? 1 क्विंटल दूध रोज आता है, ठीक है। भैया दूध अपने हाथ से निकल के लाते हैं, जैसा कि भैया ने बताया 1 क्विंटल दूध। अभी आप 1 क्विंटल ला रहे हो मतलब? और पीक सीजन में कितना लाते हो जब आपकी लस्सी लगभग 700 से 800 लस्सी पर डे बिकती है? तो 170 केजी मतलब 2 क्विंटल। देखो ये वाली जो लस्सियां हैं वो रखी जा रही हैं इस वाले काउंटर में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और हम फ्लेवर वाली लस्सी भी बनाते हैं। फ्लेवर कौन कौन से डालते हो? कार्डमम फ्लेवर होता है इसको, इलायची वाला बोलते हैं। अच्छा, उसका प्राइस अलग है? पाइन एप्पल बोलते हैं। हाँ, उसका 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। एक कुल्हड़ वाली लस्सी है हमारे पास। अच्छा, इसका 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, 45 रुपीज़ की है ये। 45 की है, नॉर्मल 40 की है, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा लस्सी भी है। ओके, तो गाइस कुल्हड़ वाली लस्सी अगर आप लेते हो तो वो 45 की है। कुल्हड़ बड़ा भी है, एक्स्ट्रा लस्सी भी है, साथ में भैया फ्लेवर्ड लस्सी भी देते हैं जिसमें कि 5 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाती है। मतलब कुल्हड़ वाली अगर फ्लेवर्ड लोगे तो 50 रुपये की है, और ग्लास वाली फ्लेवर्ड लोगे तो 45-45 रुपये की है। भैया का कहना है कि ये पूरी की पूरी लस्सी 40 रुपीज़ में हम जो देते हैं पूरे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं दे सकता। भैया इसमें डालते हैं रबड़ी। ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या डालते हो भैया? मगज है, बादाम है, वो पिस्ता, मगज, किशमिश और बादाम डालते हो आप। होता है ना कि ज्यादा क्वांटिटी में भैया क्योंकि सेल करते हैं तो छोटे मार्जिन पे काम करते हैं, इसीलिए भैया की ये लस्सी और भैया का ये व्यवहार, ये सब कुछ चल रहा है। और अच्छा, ये मलाई है, और अगर पीते पीते भी कोई मांगता है तो आप उसको भी डाल देते हैं। आप ये लस्सी लोगे 40 रुपये में, लेने के बाद भैया इसके ऊपर रबड़ी मलाई डाल के देंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल के देंगे। उसके बाद भी अगर आपको बीच में इसमें रबड़ी डलवानी है या मलाई डलवानी है तो भैया वो भी डाल के दे देते हैं। दैट इज द रीजन ये लस्सी भैया की इतनी ज़्यादा फेमस है और इतनी ज़्यादा बिकती है। तो एक लस्सी अब भैया मुझे देंगे और मैं आपको पी के बताऊँगा इसका टेस्ट कि क्या है। ये आ गई है मेरी लस्सी और ये भैया ने दी है मुझे बड़ी वाली स्पून, ठीक है। मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, इसमें मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है बादाम, खरबूजे के बीज, पिस्ता, और इसके ऊपर दिख रही है मलाई।
तो अभी इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। किशमिश बच्चों को ही पता है, काजू भी है, काजू भी है इसमें है, किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम और खरबूजे के बीज। मैं अभी इसको टेस्ट कर रहा हूँ, कहने की बात नहीं है, एकदम कम मीठा और मेवा के साथ ये लस्सी आपको वाकई पसंद आएगी। और इसमें बीच में आ रही है ये मलाई, तो भैया इसमें थोड़ा रबड़ी डालोगे आप? सो ये देखो, ये पैसा इसलिए वर्द है कि 40 रुपीज़ में भैया ने दोबारा से मुझे डाल के दिए ये रबड़ी। बहुत सदा हुआ फ्लेवर, जो मतलब मैं कह रहा हूँ सब लोगों को पसंद आएगा। गाइस ये लस्सी का टूर हुआ पूरा, प्राइस मैंने आपको बता दिए है, टेस्ट मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको यहाँ पे आना है मवाना में, HDFC बैंक के ठीक सामने वाली गली से आप आ सकते हो, वैसे किसी से भी पूछ सकते हो, तेलियो वाला कुआ वसीम भाई की लस्सी की शॉप पे जाना है, यहाँ तक छोड़ के जाएगा, लस्सी पिला के जाएगा। ये पूरी लस्सी हो गई, अभी इसके बाद भी आप बनाओगे? बना सकते हो। कितने बजे तक खुलती है शॉप? ये की शॉप खुलती है रात के 10 बजे तक, और अप्रोक्सीमेट ये 50 और कितनी लस्सी तक है, लगभग 70-80 लस्सी के आसपास भैया ने रख दी है। 2-2.5 घंटे की बात है, 2-2.5 घंटे बाद ये फिर बनना शुरू होगी, फिर से वैसे ही बिकेगी। तो इसलिए मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको ये विश्वास आ सके कि लस्सी वाकई टेस्टी है, भैया का विनर नेचर है। कितने साल से आते हो आप यहाँ पे? मैं भाई 3 साल से आता हूँ यहाँ पे। रोज पीते हो लस्सी? रोज तो नहीं पीते होंगे, ज्यादातर पीता हूँ। अच्छा, और कहीं मिलती है ऐसी लस्सी? रबड़ी का क्या सीन है, कितनी बार डलवा सकते हो भैया से? रबड़ी का अगर 2 बार भी कहेंगे 2 बार भी डाल देंगे, वैसे एक ही बार डालते हैं, लेकिन जितनी बार आप बोलोगे डाल देंगे। तो ये थे रिव्यू भैया के, भैया बोल रहे हैं कि रबड़ी में भैया कंजूसी नहीं करते, मैक्सिमम 3 बार डाल सकते हैं। वैसे नॉर्मली देखो 40 रुपये में भैया लस्सी दे रहे हैं, तो हमें भी इतना सेंस तो रखना चाहिए कि 3 से 4 बार नहीं मांगना चाहिए, और 2 बार में ये लस्सी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू व्लॉग।